गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का करा सकती है नामांकन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जारी कर चुके हैं अपनी अपनी लिस्ट। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार से पहले सोनिया गांधी से मिलेंगे झारखंड के सभी कांग्रेसी विधायक। कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के कप्तान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वैशाली की रैली में किया ऐलान। नागरिकता कानून पर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले लोगों को ना करें गुमराह, ये नागरिकता देने का कानून है। एनपीआर पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने आज बुलाई बैठक। ममता बनर्जी बोली, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही अपने राज्य में इसे इजाजत दूंगी। आईनेक्स मीडिया घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कार्ति चिदंबरम की अदालत में जमा 20 करोड़ रुपए पर भी हो सकता है फैसला। विदेश जाने के लिए कार्ति ने जमा कराए थे रुपए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी विदाई की। मुंबई से अहमदाबाद के बीच आज से दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। आईआरसीटीसी करेगी संचालन। गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी ये ट्रेन। जेएनयू में रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम दिन आज। आज के बाद लेट फीस के साथ होगा रजिस्ट्रेशन। विवाद के कारण तीसरी बार आगे बढ़ाई गई थी तारीख। जैश के 5 आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश। ग्रेनेड से हमला करने की थी तैयारी। साल 2020 के पहले मिशन के लिए तैयार हुआ इसरो। आज GSAT-30 का करेगा प्रक्षेपण। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज राजकोट में खेला जाएगा मैच। 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।